बिसम तो दोस्तों नए लहसन को स्टार्ट करते हैं उसकी उम्र ज़्यादा है ज़ी इस्त एल्टर ज़ी इस्त एल्टर उसकी उम्र ज़्यादा है मैं शादी नहीं कर सकता एक कान नख्त आईराटन एक कान राटन। मैं शादी नहीं कर सकता एक कान मैं कर सकता हूँ नख्त नहीं हाईराटन शादी यहाँ अंधेरा है ऐसी दुकल एयर ऐसी दुमकल हेयर यहाँ अंधेरा है यहाँ तारीकी है दुमकल अंधेरा तारीकी हेयर यहाँ है मैं यहाँ नहीं रुक सकता एह कान हियर निख्त ब्लाइबन कान कानर निख्त ब्लाइबन मैं यहाँ नहीं रुक सकता भलाईबन रुकना ठहरना स्टे करना मैं गा नहीं सकता एक कान निख्त सिंगन ह का नख्त सिंगन मैं गा नहीं सकता सिंगन होता है गाना जैसे इंग्लिश में सिंगिंग ए सॉन्ग गाना गाने को कहते है। गाने गाने को गाने को गाने गाने हैं नख्त सिंगन गा नहीं सकता मेरा गला ख़राब है माइन हालस इज श्लेख्त माइन हाल्स इज श्लेख्त मेरा गला खराब है माइन हाल्स मेरा गला इज श्लेख्त खराब है यानी मेरा गला ठीक नहीं है मुझे दर्द हो रहा है मैं गा नहीं सकता मुझे फैसला करने दो लास्ट मीख एंड शाइडन लास्ट मीख एंड शाइडन मुझे फैसला करने दो एंड शाइडन फैसला करना लास्ट मीख मुझे छोड़ दो यानी मुझे फैसला करने के लिए छोड़ दो फ्री एंड दे दो लास्ट मीख एंड शाइडन मुझे फैसला करने दो जल्दी करो बाइलन जी जिख बायलन जी जिख जल्दी करो आपने क्या कब आना है वन जी कॉमिन वन जी कॉमिन आपने कब आना है वन कब जी कॉमिन आपने आना है इसे कहने दो ला इन एस सागन ला इन एस सागन उसे कहने दो सागन कहना ला इन उसे कहने दो आप किताब बंद कर दो श्लीसन जी बोख शलीसन जी बोख आप किताब बंद कर दो आप कान बंद कर दो हालटन जी दि ओरन गैश आप कान बंद कर दो आप कान बंद रखो हाबन जी दि ओरन गैश अगर आप किसी की कोई बातें सुन सुन के तंग आ चुके हैं और आपने ये कहना हो कि आप कान बंद रखो हालटन जी दि ओरन गैश लोसन कान आल्टन रखो गैश लोसन बंद आप कान बंद रखो आल्टन जी दी ओयरन लोसन। आप किताब बंद कर दो शिलीसन जी बुख शलीसन जी बुख आप किताब बंद कर दो नेक्स्ट है वो स्तार बजा सकती है जी कान गितपीलन वो स्तार बजा सकती है जी कान गीतार शपीलन गितार को कहते हैं स्पिलन बजाना स्पिलन का लफ्सी मतलब होता है खेलना लेकिन यहाँ बजाने के ज़ुमे में इस्तेमाल होगा क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कान इख दीर हेल्फन कान इख दीर हेल्फन क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ हेल्फन मदद करना कान इख क्या मैं कर सकता हूँ दीर तुम्हारी क्या मैं टीवी वी ऑन कर सकता हूँ कान फिन जेर आन शालटन क्या मैं टीवी ऑन कर सकता हूँ कान एक दिन फिन जेर आन शाल्टन आइन शाल्टन आन करना फिन जेर टी क्या मैं टीवी ऑन कर सकता हूँ कान एक दिन फेन जेर आएंशाल्तन। आएंशाल्तन आन शाल्टन क्या, क्या तुम बाइक चला सकते हो क्या तुम बाइक चला सकते हो कंस दू फाराड फारन कंस दू फार्ड फारन क्या तुम बाइक चला सकते हो क्या तुम अपना पेन उधार दे सकते हो कांस कास्तु मीर लायन कांस कांसद मीर दिफ्ट लायन क्या तुम अपना पेन अपना कलम उधार दे सकते हो कांस तू क्या तुम कर सकते हो स्टिफ पेन लायन उधार देना कांसद मीर स्टिफ लायन क्या तुम अपना पेन उधार दे सकते हो यानी आर्जी तौर पर देख सकते हो तुम अकेले नहीं कर सकते दुकान नख तलाय माखन तुम अकेले नहीं कर सकते दुकान नख तलाय माख़न अलाइन अकेले करना माखन करना अलाइन अकेले दुकान नख्त तुम नहीं कर सकते वो काम पर नहीं आ सकता एर कान नख्त आरबाइट कॉमी वो काम पर नहीं आ सकता एरकानख्त आरबाइट कॉमेन आरबाइट काम कॉमिन आना एर कान निख्त वो नहीं आ सकता मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता एह कान दिर नख्त फेट्रोन मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता एह कान दर नख्त फेर ट्र फ्राइन करना निख्त नहीं आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते जी को जी कायनन निखता आइन ट्रेटन आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते ट्रेटन अंदर दाखिल होना जी काइनन आप नहीं कर सकते तुम दोबारा नहीं जीत सकते दुकानस निख नोख गेविन तुम दोबारा जीत नहीं सकते दुकांस निख नोख गेवनन गेविन जीत जाना नोख अनकोरा फिर दूसरी बार दुकानस निख तुम नहीं कर सकते यानी तुम दोबारा जीत नहीं सकते आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते जी को रिटर्न तुम दोबारा जीत नहीं सकते नोख गेविन तुम दोबारा जीत नहीं सकते उसके बाद नेक्स्ट है क्या तुम हमारे साथ सिनेमा जाओगे विश दू कीनोगेन। क्या तुम हमारे साथ सिनेमा जाओगे यानी फिल्म देखने के लिए जाओगे विष् मितोंस कीनो गैन विरसतु क्या तुम करोगे मितोंस हमारे साथ कीनो सिनेमा गैन जाना विष् मितोंस कीनो गैन क्या तुम हमारे साथ सिनेमा जाओगे हम छुट्टियों पर जाएंगे वीर वेरदन इम उर्भ फारन वीर वेर्दन इम और लव फारन हम छुट्टियों पर जाएंगे वेर्धन ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है वीर वेर्धन हम करेंगे हम जाएंगे इम और लव छुट्टियों पर फारन जाएंगे सफ़र करेंगे क्या तुम कल काम पर जाओगे विश दो मोर्गेन आर बाइट कैन। क्या तुम कल काम पर जाओगे विश दो मोर्गेन आर बाईट कैन। मोरगेन कल आरबाइट काम गेन चाला क्या तुम कल काम पर जाओगे विश तो मॉर्गेन आर बाइट वो कबूल नहीं करेगी जी वर्द एस निख्त एक्सैपटी रन वो कबूल नहीं करेगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी जी विद एस निख्त एक्जेपटी रन मैं कोशिश नहीं करूँगा वेर दे नख जू फिर मैं कोशिश नहीं करूँगा इख बर्द नख ज़ू फिर जु़न फिर जु ख़न कोशिश करना मैं कोशिश नहीं करूँगा इख व्यर्द नख ज़ ज़ ज़ू फिर ज़ुख़न मैं कोशिश नहीं करूँगा तो दोस्तों आज के लैसन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा मिलते हैं बहुत जल्द नए लैसन के साथ तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे अला हाफिज़रसन